दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में साफ कहा है कि अगर पति और पत्नी की आय समान है तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान केवल पति या पत्नी को मुकदमेबाजी के खर्च में मदद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वे आराम से रह सकें। हाई कोर्ट ने कहा, अधिनियम की धारा 24 के तहत कार्रवाई का मकसद पति पत्नी दोनों की आय बराबर करना या अंतरिम भरण पोषण देना नहीं है, जो जीवन साथी के समान जीवन शैली बनाए रखने के लिए चाहिए हो। अदालत ने यह टिप्पणी एक फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए की। फैसले में पति को बच्चे के लिए 40,000 रुपए महीने का भुगतान करने और पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर दिया था। दोनों ने 2014 में शादी की थी और बेटे का जन्म 2016 में हुआ। बाद में 2020 में दोनों अलग हो गए। पति ने कोर्ट से गुजारे भत्ते की धनराशि घटाने का अनुरोध किया था। उधर पत्नी ने अपने लिए 2 लाख रुपए के गुजारे भत्ते और बच्चे के लिए 40,000 रुपए से 60,000 रुपए हर महीने देने का दावा किया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को हर महीने 2.5 लाख रुपए वेतन मिल रहा है, जबकि पति को $7,134 महीना मिल रहा है, जो भारतीय रुपए में पत्नी की आय के बराबर है। अदालत ने कहा, वैसे पति डॉलर में कमा रहा है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसका खर्च भी डॉलर में है। पति ने बताया कि उसका मासिक खर्च लगभग $7,000 है और बचत के नाम पर उसके पास बहुत कम पैसे बचते हैं। पति ने अपनी दलील के सपोर्ट में दस्तावेज भी दिखाए, यह देखते हुए कि बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी दोनों को उठानी होगी। अदालत ने फैसला दिया कि बच्चे के लिए 40,000 रुपए के गुजारा भत्ता की धनराशि को घटाकर 25,000 रुपए प्रति महीना कर दिया जाए।